आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम है जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। आरक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों आमने सामने हो गए हैं, दोनों जीवानी जंग जो है मतलब शुरू हो गया है, और दोनों जो है अपने ढंग से जो है आरक्षण के लिए डिमांड कर रहे हैं, दोनों मतलब चाह रहे हैं कि मतलब सरकार जो है आरक्षण किस तरह से किसको मतलब दे, दोनों मतलब क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये वीडियो आप पूरा पूरा देखिए। तो एक बार ये सारी चीजें आ जाए कि उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, किन किन चीजों में बदलाव किया जा रहा, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख उस पर। देखिए इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई उस पर हम लोगों की भी असहमति है, और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में स्केड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रहा, ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम है जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है, तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर बैठे। भाई डीएम के और उनके तमाम नेता तो निरंतरता में, पूरी क्रोनोलॉजी आप चेक कर लें, निरंतरता में ऐसे बयान देते ही आए हैं। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग हैं, सनातन को समाप्त करने के लिए कहने वाले ये लोग हैं, अब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल ये लोग उठा रहे हैं। मेरा सवाल इनके घटक दलों से है ना, जो लोग इनके साथ बैठते हैं, भाई राहुल जी बताए ना, भारत की संसद में जब वो लहरा लहरा कर जब वो महादेव की तस्वीर को वहां पर दिखा रहे थे, अब जवाब दे कि जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो सहयोगी के नाते तदीकना तक पाप माना जाता था। ये वो जातियां हैं, ऐसे में जब इसमें हर जाति का आधार ही छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, तो ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर की संभावना संभव ही नहीं है, नहीं हो सकती, क्योंकि आज की भी तारीख में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक दलित युवक को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को ही मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कितने ऐसे बड़े नाम हैं जिनके मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी जब ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, तो ऐसे में शेड्यूल कास्ट में कम से कम क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी एक पुनर्विचार याचिका इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि इससे समाज में बंटवारा होगा, और ऐसे में अनुसूचित जाति पूरी जमात एकजुट हो और एकजुटता से अपने हक की लड़ाई लड़े, उसके लिए ऐसे बंटवारे को कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। अगर आपकी रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो आगे क्या कीजिएगा? वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, बहुत जल्दी है। मैं बहुत सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि सुनवाई होगी और जब दलीलों को मजबूती से रखा जाए, यानी बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी इतने सीट लाने के बावजूद भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, सुपर फ्लॉप हो चुके हैं, ये साबित हो रहा है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा, या वो सुना नहीं रहे, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या तो उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा। क्या क्या नहीं किया गया था बिहार के विशेष आज के दर्जे को लेकर के, क्या क्या आंदोलन दिल्ली से लेकर बिहार तक, अब देने वाला कौन है? भारत सरकार पार्लियामेंट में खड़ी होकर के, यानी उन्हीं की सरकार खुद मना करती है कि बिहार को हम स्पेशल आज का दर्जा नहीं।
नहीं दे सकते। खुद ही कह रही है कि हम अनुसूची 9 में हम नहीं डालेंगे, ये स्टेट मैटर कैसे? ये तो भारत सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए ना, कोई तो तार्किक जवाब देना चाहिए, टेक्निकल जवाब देना चाहिए। और अनुसूची 9 का तो सब लोग जानते हैं कि भाई भारत सरकार के हाथ में ही है, और किसी के हाथ में नहीं। वरना अनुसूची 9 में अगर राज्य सरकारों को होता या बता दे, या तो ये भी जवाब इसमें दे देना चाहिए ताकि हाँ राज्य सरकार को अनुसूची 9 में देने का रखने का दर्जा दिया गया है या है, ये भी बात बता देनी चाहिए थी, तो ये भी बात नहीं कही गई है। तो हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे सड़क पर, लेकिन कोर्ट में भी हम लोग पक्ष रखेंगे। और हम लोग केवल यही इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार का इसमें क्या जवाब होगा। अब यह स्पष्ट हो गया है, भारत सरकार ने मना कर दिया है, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अगले सोमवार, सावन का महीना है, और हम लोग सोमवार तक हम लोग जो है अपना पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अर्जी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अपने पॉइंट्स को हम लोग रखेंगे। और बिहार सरकार को तो ये भी बताना चाहिए कि क्या आप प्रस्ताव जो दिए थे वो वापस ले लिए हैं कि नहीं लिए, या मुख्यमंत्री ने कोई चिट्ठी लिखी है, नहीं लिखी है गृहमंत्री को अनुसूची 9 में डालने के लिए। और मान लीजिए अगर भारत सरकार मना किया तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस पर, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर भारत सरकार में भाजपा के बाद और कोई दूसरा तीसरा दल है मजबूत, तो वो जनता दल यूनाइटेड है, यानी एक अहम पार्टनर के रूप में है, निर्णायक भूमिका में है। तो जब आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ना 9वीं अनुसूची में, और मुख्यमंत्री जी तो हमारे साथ भी गए थे, उनके नेतृत्व में हम लोग सब गए थे हमारे प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री जी से मिलने, उनकी तो मांग थी कि भाई जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो आज तो मुख्यमंत्री स्थिति में है कि अगर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है मना करने को। तो कम से कम क्या मुख्यमंत्री जाति आधारित गणना पूरे देश में चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये बताना चाहिए। तो ये तीनों सवाल को लेकर के पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार 6 महीने हो गई है, कुछ जो है इस विषय पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल सत्ता का मौज ले रहे हैं और बिहार की जो पिछड़ी आबादी है उनके साथ अन्याय कर रही है। हम लोग सच्ची लड़ाई लड़े राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोगों ने मात्र 17 महीने के अंदर, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना करने का हो, चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का हो, हम सब लोगों ने उस काम को पूरा किया 17 महीने। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के हटते ही जब ये भाजपा और एनडीए डबल इंजन की सरकार आई तो सारे काम में जो है ताला लग गया। तो इसलिए हम लोग इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोगों को सूचित करना चाहते थे कि कम से कम आप लोग भी सूचित हो जाइए और देश और राज्य के लोगों को भी सूचित कर दिया जाए कि भारत सरकार मतलब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी, जिसमें बिहार की पार्टियां हैं एनडीए में, बिहार को ही वोट लेके अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे दिया, बिहार का ही वोट लेकर के सारा काम करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा रहा, पैकेज नहीं दिया जा रहा अलग से, बजट में तरह तरह की बातें आई, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पुराना मामला जो हमने उठाया वही सारा उसी टाइम हो गया था, उसी चीज को दोहराया गया, खाली नोट कवर बदल दिया गया। तो हम लोग इसको लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे, अदालत सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे। और किसी भी कीमत पर जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया था उसको खत्म नहीं होने देंगे, उसको लागू करा करके हम लोग दम लेंगे। इसलिए आप सब लोगों को हम बुलाए, और कोई विषय पे अगर आप लोगों को सवाल पूछना हो, आपको बोला 15 अगस्त के बाद हम लोग जाएंगे, नियत ही खराब है। अरे भाई 17 साल से तो उन्हीं लोगों का डबल इंजन का सरकार था, पहले क्यों नहीं जाति आधारित गिनना हुआ, आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया गया, राष्ट्रीय जनता दल आई 17 महीने में करके दिखाया, और करके ही नहीं दिखाया, जब चले जाने के बाद इसको फंसा दिया गया। अब क्या डर है नहीं डर है, ईमानदारी से तो जांच हो तो बहुत मामले खुलेंगे, लेकिन अब अंदर उन लोगों के क्या चल रहा है वो आप लोग जानते हैं कि भाई लोग तो डील वाली पार्टी है, ये लोग केवल डील करना जानती है, उस डील के बाबज में क्या क्या लेंगे नहीं लेंगे वो अलग मैटर है। देखिए हम लोगों का शुरू के दौर से ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है, और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं, ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को आदिवासियों को जो दिया गया था इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है, इसमें आर्थिक तौर पर तो था ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत
जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला, तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है वर्गीकरण को लेकर के, ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको, क्यों नहीं देते नौकरी, नौकरी की बात क्यों नहीं करते। कितने लैंडलॉर्ड है, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है, सबके पास आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है, जब शादी में घोड़े पे बैठा घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता, दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता, जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसलिए क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता, जब केंद्र सरकार SC ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा। तो हम लोग तो चाहेंगे कि NDA की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए। तो अभी आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे आरक्षण को लेकर के। तेजस्वी यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि केंद्र सरकार भाजपा जो है कभी चाहिए ही नहीं कि जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और वो आरक्षण को लेकर के भी जो है वो गलत करना चाह रहे हैं। आरक्षण को लेकर के उन्होंने बोले कि हम जो है बिहार में जनगणना करवाए, ये भी उन्होंने मतलब सपोर्ट नहीं किया हमें। तो इस तमाम सारी आरोप जो है मतलब तेजस्वी यादव सरकार के ऊपर लगाए हैं, और आप जो है चिराग पासवान की बात सुने हैं, तो इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या आपका राय विचार है, आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।